नमस्कार, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज मेरा जो टॉपिक है वो है स्कर्ट मेकिंग। पेंसिल स्कर्ट कैसे बनाई जाती है वो मैं आपको आज बताऊंगी, उसकी ड्राफ्टिंग, कटिंग, स्टिचिंग। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। डेढ़ मीटर कपड़ा लिया है। अब इसमें क्या है, इसके जो प्रिंट है वो ऐसे में जा रहा है, तो हमको इसको एकदम मिड से फैब्रिक को हाफ करना पड़ेगा। सबसे पहले हम वेस्ट वाला पोर्शन है वहां से स्टार्ट करते हैं इसको। जैसे कि आपने देखा, मैंने ये जो मार्क है डार्ट वाला वो एक ही जगह लगाया था। अब हमको सेम मार्क इस साइड भी पेस्ट करना है, तो हम इसको ऐसे कॉपी कर देंगे। अब ये जो लाइट मार्क्स हैं इसको अपन थोड़ा गहरा कर लेंगे। ये हमने एक पार्ट बना लिया है, सेम टू सेम हम इसका बैक पार्ट या फ्रंट पार्ट जो भी कह लो आप वो बनाएंगे। जैसे ये वाला मैंने कॉपी किया था डार्ट, सेम वैसे हम उसमें करेंगे। हमारे ये जो दोनों पार्ट है ये अब रेडी हैं। अब हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जिप लगाएंगे। जिप के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट किया है। इस फैब्रिक को हम 7 इंच कट कर लेंगे। आप ये देख सकते हो मेरे को छोटी जिप मिली नहीं इस कलर की, तो हमने इतनी ही बड़ी जिप ले ली है। इसको भी हम 7 इंच से कट कर लेंगे। अब ये जिप खुले ना, इसके लिए हम इसका जो बेस है उसको पैक कर देंगे। लाइक दिस। अब आपकी जिप खुलेगी भी तो रनर नीचे नहीं जाएगा। अब सबसे पहले जिप लगाते हैं जब भी हम स्कर्ट में, तो हमें ये करना है। अब देखिए, इसमें ये जो पार्ट है, अभी आगे पीछे हम कोई सा भी पार्ट कर सकते हैं। अगर हम बैक स्लिट वाला स्कर्ट बनाते हैं तो उसमें अलग प्रोसेस होती है। ये अगर आप इस टाइप का स्कर्ट बनाते हो तो इसमें आप सबसे पहले जिप लगाओ, उससे क्या होगा, उससे फिनिशिंग भी सही आएगी। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको ये वाली पट्टी जो है टर्न किया। अब हम इस जिप को ऐसे रखेंगे। अब जो ये वाला पार्ट है, दूसरा वाला, उसको हम जस्ट इसके सामने ऐसे रखेंगे, बिकॉज ये वाला जो पार्ट है ये फ्लैप की तरह आएगा। इसमें भी हमने ये वाली जो पट्टी काटी है इसको हम जस्ट डबल ले लेंगे। एंड डबल जैसे हमने उसमें स्टिच किया है वैसे स्टिच करेंगे।
इसमें आप ऐसे करके एक सीम लगा लीजिए, टॉप सीम, जो फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। अब आपको क्या करना है, ये फ्लैप हो गया, ये ऐसे करके आना है। उसके लिए ये फ्लैप रखा, उसके ऊपर ये जो जिप है हमने ये वाला कॉर्नर से कॉर्नर मिलाया दिस, और इसको ऐसे रखा आपने। आप क्या करोगे, आप पहले जिप को पट्टी में अटैच कर लोगे। अब हम इसमें जिप लग गई है, अभी लाइक फ्लैप वाला बचा है। अब हम इसमें फिटिंग का एक बार निशान लगा लेंगे। देखिए यहां से अपना हिप राउंड जो है वो अपना है 39, तो 9.75 ये हमारा सेंटर है, सेंटर से 9.75 ये चीज आएगी। सेम पोर्शन यहां जाएगा। अब मेरे को हल्का सा ये जो चीज है वो पेंसिल शेप में लाना है, तो मैं इसको क्या करूंगी, हल्का सा 36 कर देंगे हम। और हाँ, इसके साथ ही हमको इसी साइड में, बिकॉज ये लेफ्ट साइड रहेगा, लेफ्ट साइड में हमको इसमें 8 इंच की स्लिट भी देनी है। तो हमने यहाँ पे रखा था 2 इंच का मार्जिन, ठीक है, उसके बाद हम 8 इंच रखेंगे। डन हुआ। अब हम इसमें जिप लगाएंगे, ये जिप का जो पोर्शन है देखो कितने अच्छे से फिनिशिंग से आ गया है। अब हम इसमें टॉप सीम से भी कर सकते हैं, जो बैक वाला फ्लैप है इसको आप ऐसे करोगे एक साइड पे, ये हुआ, ये बैक वाला जो फ्लैप है उसको एक साइड कर लिया मैंने, ठीक है। अब हम इसको स्टिच करेंगे, बिकॉज अब हमको उधर से फिनिशिंग देखने की जरूरत ही नहीं है, हम जिप ऑलरेडी स्टिच कर चुके हैं फैब्रिक के साथ। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब देखो मैंने गलती से थोड़ा सा यहाँ से स्टिच कर दिया इसको, तो मैं इसको थोड़ा सा खोल दूंगी बस। सो इट्स डन। अब हम स्लिट को भी यहीं पे टर्न कर लेंगे। अब हमारा एक साइड का पोर्शन हो गया है फिटिंग, अब हम नेक्स्ट दूसरे साइड का करेंगे। हमारी जो वेस्ट लाइन है वो है 31, तो 15.5 हुआ, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे कितना लिया था, 9. ये देखिए ये वाला निशान लगा 9.75, ये हमारा हिप का मार्क है, यहाँ पे हिप की फिटिंग लगेगी। तो हिप की जो फिटिंग है वो है 39, तो 19.5 आपका आ जाएगा। देन मैंने आपसे कहा था कि हल्का सा पेंसिल इसका शेप नीचे से कम रहेगा, तो हम इसको कर देंगे यहाँ पे 9, मीन्स 36। स्कर्ट जैसी चीज होती है उसमें आप कभी भी ना एक्स्ट्रा बहुत सारा मार्जिन नहीं रखो, आप जैसे ये मार्जिन है इसको हम काट के फेंक देंगे। अब देखो हमने 2 इंच का जो मार्जिन लिया था ना, उतनी ही हम लेंथ इसमें फोल्ड कर देंगे। तो मैंने इसको बाहर के साइड मार्क किया, बाहर के साइड क्यों किया है, सो दैट अपने को इजीली पता चले कि हमको उतना फोल्ड करना है। बेल्ट है ये हमारा 2 पार्ट में था, बिकॉज इसका भी हमको बूटा सीधा लेना था, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में किया था, हमने स्टिच कर लिया। जो वेस्ट है वो 31 है, लेकिन मैंने जो बेल्ट है वो 32 लिया है।